द विला, द पैलेस, प्रोग्रेसिव आइकन और प्रोग्रेसिव हाइट जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स के खालिक प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का कराची वालों के लिए एक और तोहफा सल्तनत पेरियाटोन कराची की तकरीबे संगे बुनियाद लग्जरी और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एक बेड के सेमी फर्निश्ड और फर्निश्ड, दो बेड के सेमी फर्निश्ड और तीन बेड के सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, रिसेप्शन, कार पार्किंग, वसीओ अरीज कॉरिडोर और बिजनेस एनक्लोजर जो हर किस्म के कारोबार के लिए मौजू होंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी शाहिद महमूद कुरैशी कंट्री मैनेजर बहरिया टाउन थे, जिन्होंने अपने खिताब में प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के मंसूबे को सराहा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर लाइफस्टाइल लोगों को फराहम करें जो हमने दिया हुआ है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मलिक साहब का जो विजन है, अली साहब का जो विजन है उसको लेके जो हम चल रहे हैं, जिस तरह के लोगों को यहाँ पे एंटरटेनमेंट हमने प्रोवाइड की हुई है उससे भी आगे इंशाल्लाह ये जल्द ये मस्जिद का भी इफ्तिताह होने जा रहा है, यहाँ पे स्टेडियम भी बन जाएगा। तो जिस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे प्लाजा बनने शुरू हो गए हैं, जिस तरह हमने जिना में लोगों को अकोमोडेट किया, नए बिल्डर्स को हमने इन्वाइट किया, तो इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि लोगों का हमारे साथ क्या पार्टिसिपेशन, हम ये भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो हमसे कोई जितने भी हमारे जो भाई जो काम करने वाले हैं स्पेशली ये डेवलपर्स और जो डीलर्स हज़रात हैं, हमारी कामयाबी ये है कि हमने कभी इनको फंसने नहीं दिया। हमने कभी भी जब ये किसी भी बुरान में आए और हमने कोशिश की, हम उनके साथ खड़े हुए, उनको बुरान से निकाला और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसी यही वजह है कि हमारी टीम जो है ना दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, हमारी फैमिली जो बढ़ती जा रही है और ये अल्लाह ताला बैरियटाउन को और मज़ीद तरक्की दे, कि अल्लाह इसको और जो है हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करने की जो है अल्लाह ताला तौफीक दे और जो हमारी मुश्किलात हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द या बदीर वो भी दूर हो जानी है। और लोगों को जो हमारे, मैं उनको भी ये तसल्ली देना चाहूँगा जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको अभी तक जो वेट करना पड़ा है, इंशाल्लाह ताला नए साल के शुरू में इंशाल्लाह उनको भी हम जिस तरह बाकी लोगों को अकोमोडेट करते रहें, लम्हा ब लम्हा उनको खुशखबरियाँ सुनाते रहें, इंशाल्लाह जनवरी में भी इंशाल्लाह ताला उनको और खुशखबरी मिलेगी। और जो भी लोग ये जो विलास के मुतासरीन हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला हम अकोमोडेट करेंगे। प्रोग्रेसिव बिल्डर्स के CEO फरहान फैसल ने अपने दीगर मनसूबाजात का जिक्र करते हुए नए प्रोजेक्ट सल्तनत को एक आइडियल मंसूबा करार दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम है सल्तनत। ये बहरिया टाउन का एक सबसे यूनिक प्रोजेक्ट होगा और ये 4 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे है और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द डिलीवर करेंगे और ये सबसे यूनिक प्रोजेक्ट होगा बहरिया का और इस तरह का प्रोजेक्ट कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और ये सबसे ज़बरदस्त लिविंग स्टाइल हम डिफरेंट इसमें कर रहे हैं, हर चीज़ इसमें डिफरेंट होगी। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और फ्यूचर का आने वाला सबसे ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट होगा। थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि प्रोग्रेसिव कंपनी, प्रोग्रेसिव नाम से जाहिर है तरक्की पसंद, अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर हमने बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम अचीवमेंट्स की हैं। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट लिया था विलास का घरों के हिसाब से, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया दी पैलेस के नाम से, अल्लाह का शुक्र है कि अरे हमें डे बाय डे उसमें सक्सेसफुल आती रही। उसके बाद हमने सल्तनत को इंट्रोड्यूस करवाया, आज सल्तनत के ऊपर खड़े हैं। चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, उनको पैम्पर्ड करने के लिए सैलून और जकूजी और जिम क्लब और ये सारी चीज़ें के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन एक टर्म होती है ना ऑलराउंडर, तो मुझे लग रहा है कि सल्तनत एक ऑलराउंडर प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जिसके लिए आपको निकलना पड़ता है घर से ही या उस प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद है। ऑशन मार्केटिंग के कामरान बिलाल और टीम ने सलामती न्यूज से बात करते हुए कहा, सर माई सेल्फ कामरान खान एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ओशन मार्केटिंग। पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सल्तनत की। सल्तनत अपने नाम से ही जो है वो सब जाहिर कर देता है, यानी कि सल्तनत से जो हमारे जहनों में बातें आती हैं वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम आराम से सुकून से अपने लोगों के साथ रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहां फैसिलिटीज़ होती हैं। जस्ट लाइक दैट सल्तनत जो प्रोजेक्ट हम बहरिया टाउन में ला रहे हैं, वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट इन बहरिया टाउन एंड ऑल्सो द यूनिक प्रोजेक्ट इन कराची, इसमें वो तमाम सर्विसेज हैं जो अब तक किसी और प्रोजेक्ट में नहीं दी गई हैं। तो जो CEO फरहान फैसल साहब हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के ऑनर,
ان کی جو ویژن ہے وہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو آج اس کی ارتھ بریکنگ ہے، اور جس دن یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا تو صرف کراچی نہیں پورا پاکستان دیکھے گا کہ سلطنت کیا پروڈکٹ ہے اور ہم کیا ڈیلیور کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی تو ضرور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اپنی نوعیت کی بہت منفرد پروڈکٹ ہے۔ جہاں تک مارکیٹنگ کی بات رہی تو اوشین مارکیٹنگ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جس بھی برانڈ کے ساتھ ہم کام کریں اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے ساتھ جو فیچرز جڑیں وہ ضرور پبلک تک پہنچائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو ڈیلیور کرتے ہیں، جو جن کے پاس ویژن ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی اوشین مارکیٹنگ کا ایک ایسا پروجیکٹ آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے اس کو۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ہوں بلال زیدی اور اونر ہوں اوشین مارکیٹنگ کا، جو کہ کراچی بیس مارکیٹنگ فرم ہے، اور یہاں پر بحریہ ٹاؤن میں ہم ایسوسیٹ ہیں پروگریسو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے۔ الحمدللہ ہمیں بحریہ میں کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے اور نن ادر دین ہم پروگریسو بلڈرز کے علاوہ کسی پہ اعتماد نہیں کر پاتے، اور ہمارا جو ان سے ہمبل جو رشتہ ہے ماشاء اللہ 5 سال سے، انہوں نے جو ماضی میں جتنے ولاس کے پروجیکٹ کیا الحمدللہ اس کے وقت سے پہلے سارے کام شروع کیے، اور الحمدللہ ہمارا رسپانس، انہوں نے کلائنٹ کا اعتماد ٹوٹنے نہیں دیا، اور جتنے بھی کلائنٹس کے جتنے معاملات ہیں پروجیکٹ کی کوالٹی وائز، جتنے بھی ویژن ہیں ان کا ویژن بہت براڈ ہے۔ ابھی یہاں پر فرحان فیصل صاحب جو پروگریسو بلڈر کے اونر ہیں، ابھی وہ یہاں پر پلان کر رہے ہیں 1000 گز اور 500 گز کے ولاز لانچ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک بحریہ میں لانچ نہیں ہوئے ہیں کسی بھی پرائیویٹ گروپ کی جانب سے۔ اس میں جو سوئمنگ پول ابھی تک کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں آیا تھا، تو اس میں سوئمنگ پول کی فیسلٹیشن آ رہی ہے، اور باقی اور جو رو ہے اس کے علاوہ اس میں ایمنیٹیز کافی دی جائیں گی، وہ الگ ایک پریسنٹ پورا ہی پروگریسو بلڈرز کی جانب سے کیا جائے گا۔ تو یہ ویژن ہے، باقی ہم دعا گو ہیں فرحان فیصل صاحب، اللہ پاک ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ سلطنت کے برانڈ ایمبیسیڈر جاوید شیخ کی دبنگ انٹری نے ان کے فین کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو بنا رہے ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ پہ اپنا کرم ڈالے اور یہ پروجیکٹ بہت ہی سکسیزفل ہو، اور جس طرح فلموں میں ہوتا ہے 1, 2, 3 سلطنت 1، سلطنت 2، سلطنت 3، اللہ میاں اسی طرح سلطنت کو ہر جگہ، سلطنت پورے پاکستان میں نظر آئے انشاءاللہ۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ اس منصوبے کا نام انتہائی مناسب ہے کہ گھر ہو یا دفتر، کسی کی ملکیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت ہی ہوتی ہے کہ جہاں خوشیوں اور اطمینان کا راج ہوتا ہے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی۔